प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर शहर को रिंग रोड की सौगात दी है। लगभग 250 करोड़ रुपए से रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार द्वारा सौगातों का पिटारा खोला जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की कद्दावर और सक्रिय मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर को करोड़ों की सौगात दी। मंत्री चिटनिस ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर द्वारा बुरहानपुर की रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और DPR स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है। लगभग 250 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से बनने वाली रिंग रोड लोनी से प्रारंभ होकर निम्बोला के पहले पेट्रोल पंप के पास इंदौर अमरावती हाईवे से मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर द्वारा बुरहानपुर की रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। DPR स्वीकृति की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के भिन्न भिन्न आयाम है। उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 250 करोड़ रुपए के से अधिक की लागत का से बनने वाला है रिंग रोड। ये निम्बोला से पहले पेट्रोल पंप के पास से इंदौर अमरावती हाईवे से मिलेगा और दरअसल ये दो बाईपास के संयोजन से पूरा रिंग रोड बन जाएगा। एक एजेंसी पूरा रिंग रोड ही बना रही है। रोड का एक हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है और उसको पूरा करते हुए अगर ने राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर जो एक मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी है उसके माध्यम से जो एक और बाईपास बनाया और ये दोनों बाईपास के संयोजन से उक्त रिंग रोड का निर्माण हो जाएगा। मंत्री मैडम ने बताया कि उक्त रिंग रोड का निर्माण दो बाईपास मार्गों के संयोजन से होगा। इसमें से एक लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर द्वारा बनाए जाने वाले बाईपास और दूसरा NHAI द्वारा बनाए जाने वाले बाईपास के संयोजन से शहर को चारों ओर रिंग रोड बनेगी। शहर के चारों ओर रिंग रोड बनेगी। पिछले दिनों हमारा जो स्टेट हाईवे है ये नेशनल हाईवे घोषित हुआ और आप सब जानते हैं कि 1800 करोड़ रुपए की योजना यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत की गई। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा निम्बोला से इस्तर बंदर जाकर लोनी की ऑपोजिट साइड से बन अगर नौसर भी जाकर हम निम्बोला से इधर घुसते हैं तो एक बाईपास उस रोड के अंतर्गत बनना सुनिश्चित हो गया। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की एजेंसी है नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस पूरे प्लान को बनाया है। ये रिंग रोड बुरहानपुर के विकास में नए आयाम लाएगा और 24 किलोमीटर का रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर द्वारा बनाया जाएगा और शेष जो बाईपास दूसरा है मतलब इस पर एक रोड ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, दोनों अलग एजेंसी बना के कंप्लीट रोड अपना हो जाए। और इसके साथ ही हम आए दिन जो दुर्घटनाओं को देखकर हम सभी व्यथित हैं उस पर भी विराम लगेगा। कुल मिलाकर बुरहानपुर रिंग रोड के निर्माण से न सिर्फ बुरहानपुर के विकास को गति मिलेगी और शहर का आवागमन भी सुव्यवस्थित हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बुरहानपुर।